Bye.
जिसके गले में पाँव में जंजीर है।
Come.
गांधी जी को उठा करके देख लीजिए, उन्होंने यही कहा कि मैं अहिंसा के ऊपर लड़ाई करने के लिए मैं जब गया था, अहिंसा की लड़ाई करने के लिए जब गया था तो मैं 72 की तादाद में गया था, मैं अपने साथ 72 आदमी ले गया था। इसलिए मुझे वो करबला की तारीफ याद है कि करबला की तारीफ में क्वांटिटी नहीं देखी गई, क्वालिटी देखी गई। आज से कई बरस पहले की बात है, इंडिया टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आता है आपकी अदालत, मैं वो प्रोग्राम देख रहा था। कई बरस पहले की बात है, बाल ठाकरे का स्टेटमेंट था, उसके अंदर बाल ठाकरे इंटरव्यू दे रहे थे, कहने लगे, उन्होंने पूछा, रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि भाई आपके बारे में मशहूर है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा, कौन कहता है कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ, किसने ये बात कही कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ। देखिए बाल ठाकरे के जुमले गौर कीजिएगा, बाल ठाकरे के जुमले गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ। अरे मैं तो खुद इजाजत देता हूँ कि बंबई के सड़कों पर आजादारी हो। किसी और बात को बाल ठाकरे ने नहीं कहा, किसी और बात को गुफ्तगू नहीं की, बल्कि वो खुद ये कहने लगे कि हमारी जो शिवसेना है वो आजादारी में बढ़चढ़ कर ताउन करती है, वो ब्रिटिश मातम में बराबर का ताउन करती है। सलाम वो बाल ठाकरे के इस स्टेटमेंट के ऊपर कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सलाम ने जो करबला में जंग लड़ी थी उसकी सच्चाई बयान कर दी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, हर वो शख्स जो हक और बातिल के फैसले का कमीज रखता है वो सच्ची बात बयान करता है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू पैगाम साहब दे रहे थे, पूरा मैसेज दे रहे थे। हाँ अब एक बात और मैं करता चलूं अपने शहर के लोगों से, अपने वतन के लोगों से, अपने बुजुर्गों से, कि देखिए बहुत से लोग इमाम बारगाह के बाहर हैं, इमाम बारगाह के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, यहाँ फर्श भी बिछा हुआ है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ, अगर बात समझ में आ जाए तो इसके ऊपर अमल कर लीजिएगा। कि ये मजलिस है यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, ये मजलिस है ये मजलिस है यहाँ बैठो अकीदतें लेकर। मुझे मालूम है ना कि इसका दूसरा क्या पढ़ना है, मैं समझ सकता हूँ दूसरे की कैफियत, आप सुनने के बाद उसका लुत्फ लीजिएगा। ये मजलिस है यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, ये मजलिस है यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से जाओ तबर्रुक में जन्नतें लेकर। पैगंबर खत्म मरतबा की जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए तो वक्त कम पड़ जाए।
तिबला मेरा पूछ रहा है। अगर इस शेर से करीब है आप तो सारे मिलकर बोलिएगा, शेर पेश कर रहा हूं दोस्तों, बड़ा कितनी शेर पेश कर रहा हूं, अगर इस शेर के करीब है तो सारे मिलकर बोलिएगा, तुझे तो मोहम्मद ने वहां पर नहीं देखा, मैं तुझको यहां पर बुला देख रहा हूं कि तिब्बत में मलक तिबला मेरा पूछ रहा है, मैं तुझे सुने खाते से बात देख रहा हूं, देख रहा हूं। आखिरी शेर उन लोगों के लिए, चाहे वो गुंचे नसरुल्लाह का फर्द हो, चाहे चौनपुर का बेहतरीन इस जमातों के दरमियान चौनपुर का एक फर्द, मैं उन लोगों की नजर कर रहा हूं जो खामोश है। तुर्बत में आखिरी शेर से मैं तमाम करती हूं, तुर्बत में मानव किबला मेरा पूछ रहा है, शोक में लिखा मुतवज्जे हो जाइए, तुर्बत में तरंग इस्लाम को पैरों पे खड़ा देख रहा इस्लाम को पैरों पे खड़ा देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हजरा इस वक्त अंजुमन नासिरुल अज़ा का सलाम सुनने के लिए पूरा माहौल बना चुके हैं। गुजारिश कर रहा हूँ मेहमान अंजुमन गुंचे नासिरुल अज़ा पढ़ा रहा हूँ मातम बजाएं। शाह की सूरत अकबर भी बड़ी मांगने मक्तल की इजाजत है मेरे भी सीने में नेहा शौक शहादत बाकी है मेरे दिल में यही आखिरी हसरत इस तरह से दिल बंद के हर को सुन कर ज़ैनब से ये दिल थाम के कहने लगे सरवर अकबर को बनाओ अकबर को बनाओ एक लम्हे को दूल्हा अली को बनाओ अकबर को बनाओ नेवे Yeah.
अपना बहन बाप को कर जाने
आलम में वो बहलाएगी कुछ तो, और टूटे हुए दिल को भी समझाएगी कुछ तो, और टूटे हुए दिल को भी समझाएगी कुछ तो, कुछ तो। Amen.
पकड़े मेरे
Oh.
Okay.
Oh,
Thank you.